So, what is up boys, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त, स्वागत करता हूँ ब्रेकलैश क्लाइंट के एक और नए फाड़ू एपिसोड में। सो गाइज भाई मजा आ गया, सही बताऊँ कल वाली वीडियो में जो मुझे फीडबैक मिला मजा आ गया। मैं जानता हूँ गाइज कि व्यूज कम आए हैं, व्यूज माने नहीं रखता मेरे लिए, जो लाइक्स ओ माई गॉड गाइज करीब समझ लो 2000 व्यूज पे मेरे को करीब से करीब 800 लाइक मिल चुके थे और मैंने एम रखा था 1500 मेरे ख्याल से लाइक के। ओ भाई मज़ा आ गया सही बताऊं। और भाई ऐसे ही ऐसे सपोर्ट करते रहो यार, आपके लिए भाई ऐसे वीडियोस बनाता रहेगा। तो गाइज आज हम लोग एक सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। भाई बात नहीं करना चाहता बट सीरियस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले यार मैं शाउट आउट दे देता हूँ कुछ लोगों को यार, क्योंकि मैंने कल बोली थी भाई कि वीडियो के नीचे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि भाई तुम लोगों ने आज तक, मतलब कि तुम लोग का आज तक का सबसे बड़ा लूट कितना है। तो भाई बहुत तगड़े कमेंट्स आए यार, उनमें से कुछ फेकू चंद भी थे और उनमें से एक फेकू चंद ये रहा, ये लिखता है माई लूट 1000000000 डार्क, मतलब कुछ भी भाई। इतने जीरो तो आज तक मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड के पेपर में भी नहीं लाए होंगे जितना जीरो ये यहाँ पे यूज कर रहा है। तो यार ये तो ये पहली कमेंट। फिर कमेंट आता है 1.7 मिलियन लूट। ओ माय गॉड 1.7 मिलियन मैं विश्वास नहीं करता, बट एक मिनट सुनीता, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, ये सही बोल रही है, ये बिल्कुल सही बोल रही है, इसने पक्का मारा होगा क्योंकि यार लड़की कभी झूठ नहीं बोलती। और फिर आता है एक और बंदे का कमेंट 1.7 मिलियन भाई ये क्या था, ये मेरे को झूठ लग रहा है, ये झूठ बोल रहा है ये लड़का, लड़का अच्छा हरमन, ये तो लड़का है यार, नहीं ये बंदा पक्का झूठ बोल रहा है, तो ये मैं बिलीव नहीं करता। फिर आता है भाई 1.5 मिलियन ब्रो, भाई मेरे से ज़्यादा, मेरे से बड़ा, ओ माय गॉड तुम्हारे पास मेरे से बड़ा लूट है, बहुत बढ़िया। फिर आता है 12 लाख गोल्ड, 13 लाख एंड 80,000 डार्क एलिक्सर, ओ माय गॉड बंदे ने लिटरली मेरे से कम बोला है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मारा था 1.3 मिलियन और यहाँ पे ये 1.2 मिलियन की बात कर रहा है। तो यस यू आर राइट, ये सही है, बिल्कुल सही है। फिर आता है 1.5 मिलियन लूट, मैंने वही हाईएस्ट लूट थी, वाओ नाइस ब्रो, कॉन्गो। सो यार ये थी आज की कमेंट्स। मैं जानता हूँ यार कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, बट फिर भी यार मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों पे, तो आप लोग भी विश्वास करो, इस वीडियो को लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए गाइस बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। यू बॉयज तो यार बहुत दिन से, लिटरली एक महीने से मैं पुशिंग में लगा हुआ हूँ। आप जानते हो यार पुशिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, मैं खुद पुशिंग कर रहा हूँ। मैं हर एक बंदे को रिस्पेक्ट करता हूँ जो लेजेंड गए हैं टाउन हॉल 11 से 10 से 9 से, बहुत हार्ड वर्क लगती है यार, पता नहीं कैसे कर लेते हो तुम लोग, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, सही बताऊँ यार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अभी जाऊँ यहाँ पे तो गाइस डिफेंस लॉक के देखो यार, डिफेंस लॉक में देखो एक बंदे ने मेरे पे अटैक किया, सिर्फ 2 स्टार लिया बंदे ने, सिर्फ 2 स्टार, और यहाँ पे देखो 23 ट्रॉफीज। अगर इस बंदे ने गलती से 3 स्टार ले लिया होता तो मेरा क्या होता, मेरा तो एल लग गए। तो यार देखो ये तो बात रही हमारी डिफेंस की, डिफेंस में मैं तो ऐसे लूज हो ही रहा हूँ, अटैक पे गाइस ओ माय गॉड यार मेरे को उठा ले भगवान, टाउन हॉल 13 के प्लेयर्स मिलते हैं गाइस, हर अटैक में टाउन हॉल 13 के प्लेयर्स, इन्फर्नो मैक्स आउट लेवल, ईगर लाइट लेरी मैक्स आउट लेवल, यार क्या क्या नहीं है उनके पास मैक्स लेवल का। और मैंने एक अटैक किया था 49% 1 स्टार से रह गया -27 यार, मैं तंग हो गया हूँ यार, मेरे से पुशिंग नहीं हो पा रहा यार, क्या करूँ मैं, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है यार, बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं हूँ यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अब पुशिंग मेरे से नहीं होने वाला। बट मेरे क्लैन में एक बंदा है यार, मैं दिखाना चाहता हूँ उस बंदे कहाँ गया, ये देख लो ये जो सैम विंटर नाम का बंदा है, इस लौंडे ने करीब एक दिन में 200 ट्रॉफी पुश कर ली, मेरे से पीछे था ये बंदा, बिलीव नहीं करोगे मेरे से पीछे था ये बंदा, और ये बंदा इतना जल्दी आगे निकल गया, मैं सही बता रहा हूँ यार, पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग। तो मैं हार मानने वाले नहीं हूँ, मैं भी पुशिंग कर रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं जानता हूँ यार एक बार लेजेंड रीच हो गया तो लूट की कमी नहीं होगी मेरे में। तो यार आज हम लोग फिर से वही उम्मीद और वही एकदम जुनून के साथ पुशिंग करने वाले हैं, और भाई 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 भाई, भाई कैसे भी करेंगे इस बार टाउन हॉल 13 से पंगा नहीं लेंगे। तो गाइज मेरा ट्रूफ सब कुक्ड आउट है और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बेस ढूंढेंगे, और मैं जानता हूँ बेस इतना जल्दी नहीं मिलेगा, क्लोडिंग पे बैठना पड़ेगा, तो
थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं जब तक क्लोडिंग हट ना जाए। सो गाइस वी आर बैक, और भाई 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 कसम बता रहा हूँ 10 मिनट से क्लोडिंग पे था, तब जाके बेस मिला। मैं नेक्स्ट नहीं कर सकता, वरना टोनल 13 का बेस मिलेगा। इस बेस पे कैसे भी करके मैं 2 स्टार लेनी है भाई। इस अटैक कॉम्बो से 2 स्टार ले पाना थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि टोनल बाहर की तरफ है इसका। चलो मारते हैं यार, इन्फर्नो से बच के रहना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले अपना ईगल आर्टिलरी इसको इस कॉर्नर से छोड़ेंगे, एयर डिफेंस इस तरफ नहीं है इसलिए। और यहाँ पे जाएगा हमारा एक पेक का, यहाँ पे 2 विजार्ड्स, और यहाँ पे 3रा विजार्ड, और यहाँ पे 4था विजार्ड्स। यहाँ पे जाएगा हमारा आर्चर क्वीन, इसके पीछे 4 हीलर। ओहो, वॉल ब्रेकर यहाँ से छोड़ेंगे हम लोग। और भाई वॉल का लेयर देख रहे हो, 3-3 लेयर बना के रखा है लोंडे ने। चलो ठीक है, कोई नहीं, जाएगा। यहाँ पे एक और विजार्ड, और यहाँ पे जाएगा पिक्का किंग, सारे के सारे बोलर्स स्पैम हो जाएंगे। अब यहाँ पे जाएगा ये आइस गोलम, मैंने छोड़ी क्यों नहीं क्वीन का एबिलिटी, ओ माय गॉड वार्डन। अब वो प्लीज 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 बोलर लौड़े पे, ये बॉलर को देख रहे हो गाइस, बॉलर को देख रहे हो कहाँ घूम रहा है, लग गए मतलब कि अपने मौज मस्ती में है बॉलर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है बॉलर, होता है। यहाँ पे जाएगा हमारा एक और रेड स्पेल, और अब जाएगा हमारा सारे का सारा बैट यहाँ से। बस 2 स्टार लेना है मेरे को कैसे भी करके। सारे के सारे बॉलर कैसे मर गए बे, अब बैट भी मरना शुरू हो गया। बताओ यार ये बॉलर कैसे गायब हो गए सारे के सारे, दिखे भी नहीं यार। अबे इन्फर्नो बच्चे की जान लेगा, 2 स्टार तो होने दे भाई। इन्फर्नो वाट लगा दिया मेरा, नहीं होगा भाई 2 स्टार तो नहीं होगा, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल यार। 37% 38, ओ नहीं यार। इसलिए गाइज मैं यूज ऐसे बेस पे अटैक नहीं करता जिसमें मल्टीपल इन्फर्नो होता है। मतलब कि फ्रीज किस पे इस्तेमाल करूँ, विजार्ड टावर पे, इन्फर्नो पे, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। और मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का, मैं सरेंडर कर देता हूँ। मेरे को लग रहा है 4 से 5 ट्रॉफी आएगी मेरे नसीब में, 5 जैसा बोला था 5। शिट मैन। सो गाइस ये तो रही अटैक की बात, यार अटैक तो होते रहेंगे, बट यार सुपरसेल वाले ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स हमारे लिए प्लान किए थे क्रिसमस पे, और ये रहा वो गिफ्ट्स। वाह मजा आ गया, मैं सारे के सारे कलेक्ट कर लेता, 1 2 3 बूम, सारे के सारे फ्री मिल रहे हैं तो यार कौन छोड़ेगा। और मेरे पास जैसे कि देख सकते हो यार गोल्ड है 9.2 मिलियन। अब इस गोल्ड को हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, हमारे पास 2 बिल्डर खाली है, और दोनों बिल्डर को हम कहीं ना कहीं पे ऑफकोर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं पे बिजी करेंगे। तो बिल्डर हमें क्या अपग्रेडिंग के लिए बोल रहा है, ये भाई मोर्टा ले रहा है 9 मिलियन, ओ माई गॉड। नहीं इसको नहीं करेंगे हम लोग, इसको नहीं करेंगे। और कुछ है क्या, कैनन, कैनन सस्ते में निकल जाएगा यार, सस्ता वाला चीज़ नहीं चाहिए हमें। अबे यार एक्सबो को करने का, ओहो एक्सबो निकलने वाला है, चलो एक्सबो को निकाल देते। 1 2 3 बूम, ये एक्सबो आ चुका है लेवल 4 का। अब इसको हम डायरेक्टली लेवल 5 का करेंगे, और इंस्टेंटली बुक ऑफ हैमर यूज़ करके इसको मैक्स कर देंगे। मतलब ये जो हमारे पास बुक ऑफ बिल्डिंग है उसको यूज़ करके मैक्स करेंगे। 1 2 3 बूम, ये मैं गया डाल दिया इसको, और ये जाएगा 1 2 3 बूम इंस्टेंट, ओ माई गॉड। एक्सपी लेवल 186, ओ माई गॉड नाइस। अब हमारा सारा का सारा एक्सबो मैक्स हो चुका है, इन्फर्नो मैक्स हो चुका है। अब ज़्यादातर मेन डिफेंस जो हमारे पास है ना यार, सारे के सारे मैक्स हो चुके हैं, बस ये कैनन वगैरह वगैरह बचा है जो हम मैक्स कर लेंगे। मेरे ट्रेजरी में कुछ होगा, ओहो वाओ लूट है, ट्रेजरी से कलेक्ट कर लेता हूँ। ओह मेरे पास बहुत ज़्यादा एलिक्सर है, एलिक्सर से हम क्या करने वाले, वॉल अपग्रेड करने वाले। चलो वॉल अपग्रेड करते, तो एलिक्सर से मैं पहला वॉल यहाँ पे अपग्रेड करता हूँ। और एलिक्सर है नहीं हमारे पास, सब कुछ खत्म हो चुका है। मतलब कि ये टाउन हॉल 11 पे ऐसा है कि आप लूट मतलब कि खत्म हो जाता है इंस्टेंट, ऐसे चुटकी बजाते खत्म हो जाता है 1-2 डिफेंस में ही। तो मेरे पास कुछ और बचा नहीं मैं डाल सकूँ, तो यार एक और रिक्वेस्ट कर लेते हैं और एक और बेस पे चलते हैं यार, क्योंकि भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं पुशिंग कब कर पाऊंगा लेजेंड तक मेरे को समझ नहीं। वी आर फाइनली बैक, और भाई इस बार फिर से ट्रूप चेन कुक हो चुका है, सारे के सारे ट्रूप को खो चुका है फिर से बेस ढूंढने के। और मैं सोच रहा हूँ यार नहीं, इस ट्रूप से नहीं होने वाला, मतलब कि नहीं होने वाला। तो मैं सोच रहा हूँ कि ट्रूप चेंज करूँ, और देखते हैं यार कौन सा ट्रूप सही होगा। मैं कॉम्बो पहले ट्राई करूँगा, कोई अच्छा सा कॉम्बो मिल जाए ना बस बॉस, फिर तो लेजेंड पक्का ही है। व्हाट, यू मस्ट वेट अंटिल आफ्टर ए पर्सनल ब्रेक टू स्टार्ट एन अटैक। अबे यार इसीलिए, बस इसीलिए मैं क्लैश ऑफ क्लैन इतना देर नहीं खेलता। सो गाइस मेरे साथ धोखा हो गया, सुपरसेल वालों ने बोला भाई तू निकल यहाँ से, तू पहली फुर्सत में निकल, निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। तो यार अभी अभी नहीं खेल सकते हम लोग, क्योंकि हमें जैसे लात मार के निकाला गया है क्लैश ऑफ क्लैन से, इसका मतलब भैया आप क्लैश ऑफ क्लैन फिर से मत खेलो। अभी मैं अटैक कर सकता हूँ क्या? You must wait until after a personal break to start the attack. मतलब कि मेरे पे जब तक एक अटैक नहीं होगा मैं अटैक नहीं कर सकता। मतलब कि यार ये गुनाह हो गया, अगर आप क्लैश ऑफ क्लैन में 6 घंटे से ऑनलाइन हो ना 6 घंटे से,
तो आप पे अटैक नहीं हो सकता भाई, ये क्या क्या ये रूल यार। तो गाइज मेरे को लग रहा है वीडियो आज यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे को ऑफलाइन जानी पड़ेगी, मेरे पे एक अटैक होगा, मेरे बेस में 90-40 माइनस होगा, और फिर मैं ऑनलाइन आऊँगा, रोऊँगा, सोचूंगा यार मैं क्यों पुशिंग कर रहा हूँ, और फिर ऐसे सोचते सोचते मैं एक फिर से ट्रिप बुक करूँगा, फिर जाऊँगा क्लोडिंग पे, वहाँ पे बैठूँगा, बेस ढूँढूँगा, मारूँगा, जीरो स्टार लूँगा, फिर माइनस में जाएंगा, रोऊँगा, और फिर सोचूंगा यार मैं फिर क्यों अटैक किया, फिर ऐसे ट्रिप बुक करूँगा, यही होता रहेगा। मेरे को लग रहा है ना मेरे को कोई अच्छा सा अटैक कॉम्बो चूज़ करना चाहिए, वरना जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा यार, लेजेंड तो दूर की बात है। सो गाइस कमेंट सेक्शन में आपका काम बस चाहिए, अगर आप लोग TS11 का पुशर हो भाई प्लीज़ फालतू का कॉम्बो मत बोलना, अगर आप लोग अच्छे पुशर हो, आप लोग को पता है कि यार कोई अच्छा सा स्ट्रैटेजी, तो प्लीज़ सजेस्ट करो यार, और मैं ट्राई करूँगा यार, ऐसी बात नहीं कि नहीं करूँगा, मैं सभी का स्ट्रैटेजी ट्राई करूँगा, और जिसका बेस्ट होगा ना बाई गॉड भाई तेरे को मैं फ्री में गोल्ड पास दूंगा यार। कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया, ऐसे भी गोल्ड पास का गिव अवे चल रहा है। हाँ गाइज गोल्ड पास का गिव अवे चल रहा है, मेरे ख्याल से विनर आज ही अनाउंस करना था, तो गाइज विनर अनाउंस हो चुका होगा जब तक ये वीडियो रिलीज होगा, तो इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लो, अगर विनर हो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, DM कर दूंगा, वहाँ से आप कलेक्ट कर लेना। सो चले गाइज ये थी आज की वीडियो, होप करते हैं आपको पसंद आई होगी, नहीं पसंद आई है तब भी लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है बॉस। तो चले गाइज मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में ऐसे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए द क्लैश ऑन टाइटल।